हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओरिटी सीजन 3 का होने जा रहा है आगाज। फैंस हो गए हैं एक्साइटेड क्योंकि उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। 21 तारीख को ये शो शुरू होने वाला है और इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो अपडेट है कि अनिल कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनव्वर फारूकी भी अनिल के साथ नजर आए। काफी तीखे सवाल किए गए और उसी दौरान उन्होंने पूछा, क्या आपने सलमान को कर दिया है रिप्लेस? तो सलमान को रिप्लेस करने पर आखिर क्या दिया है अनिल कपूर ने जवाब, चलिए आपको बता देते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो बिना देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर 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 कर लीजिएगा। दरअसल रिपोर्ट्स की माने और अनिल कपूर की माने तो उन्होंने साफ कह दिया है कि सलमान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, सलमान की जगह कोई नहीं ले सकता है। सलमान का एक अपना पूरा का पूरा एक अलग उनका एक अलग ही अंदाज है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है और उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि AK यानी कि अनिल कपूर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेरा भी एक अलग स्टाइल है, अलग अंदाज है, ये मेरा स्टाइल है, वो सलमान का स्टाइल होता था और मैं सलमान को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। बस यही कहूँगा, सलमान अभी अवेलेबल नहीं है तो मुझे मौका मिला है इस शो को होस्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी सुनीता भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उन्हें शो का होस्ट बनते देखने के लिए और अनिल कपूर ने भी अब कमर कस ली है और अब उन्होंने इस शो में आने वाले 9 कंटेस्टेंट्स के भी हल्के हल्के हिंट दे दिए हैं और अब तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चंद्रिका दीक्षित यानी कि बड़ा पाव गर्ल इस शो के लिए फाइनल की जा चुकी है। मिका सिंह फाइनल हो चुके हैं। पौलमी दास का नाम सामने आ चुका है। वही साई केतन राव का नाम सामने आ रहा है। वही कहा जा रहा है कि सना सुल्तान, सना मकबूल, सोनम खान जैसे बड़े बड़े नाम अब इस शो में नजर आएंगे। कैसा लगा वीडियो, कितना एक्साइटेड है आप, मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।